हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने डबलीवास पेमा के रहने वाले बूटा सिंह और उसकी पत्नी रेखा को चिट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बूटा सिंह और रेखा पुलिस को देखकर भागने के प्रयास में थे, लेकिन पुलिस ने शक की दृष्टि से उन्हें रोका। जब उनकी तलाशी ली तो बूटा सिंह के पास 30 ग्राम और उसकी पत्नी रेखा के पास 20 ग्राम चिट्टा मिला है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जांच अभी जारी है। कहीं ना कहीं दिल्ली से यह चिट्टा लाने की बातें सामने आ रही हैं। नाइजीरियन जो चिट्टे का व्यापार लगातार देश के अंदर करते आ रहे हैं, उन्हीं से यह चिट्टा खरीदा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नाइजीरियन वहाँ दिल्ली के अंदर सौदागर बैठे हैं, वह नशे के लिए और पुलिस के लिए और जनता के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। आइए सुनाते हैं आपको कि इस पूरे मसले पर और जो नशे के सौदागर पकड़े गए हैं, इसका पुलिस के अधिकारी के स्तर से क्या कहा जा रहा है, सुनिए। मैं ओम प्रकाश सुथार, सब इंस्पेक्टर कार्यवाहक थाना अधिकारी मानगढ़ जंक्शन। आज सुबह मॉर्निंग गश्त के दौरान नीलकंठ महादेव किराए पर नाकाबंदी चल रही थी। एक व्यक्ति और एक औरत पुलिस की नाकाबंद पार्टी को देख करके वापस घूमने लगे, जिनको डिटेन का नाम पता पूछा तो बूटा सिंह स्नोबंता सिंह रायसिक है, ये डबलीवास पेमा के रहने वाले हैं, साथ में इसकी पत्नी श्रीमती रेखा थी। एनडीपीएस के प्रावधान अनुसार नियमानुसार कार्रवाई कर बूटा सिंह के कब्जे से 29 ग्राम चीटा उर्फ हीरोइन और रेखा के कब्जे से 20 ग्राम चीटा हीरोइन की बरामदगी की गई। प्रथम दृष्टया इन लोगों ने नई दिल्ली से उत्तम नगर नाइजीरियन से ये चीटा खरीदना बताया और क्रम का अग्रिम अनुसंधान सदर के सुपुर्द किया गया, अनुसंधान जारी है। पुलिस डबलीवास पेमा के बूटा सिंह और इसकी पत्नी रेखा के पूर्व के रिकॉर्ड को भी तलाश रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि ये पहली बार नशे के सौदागर बने हैं या फिर लंबे समय से कोई और भी यह नशे को बेचने का काम करते रहे हैं। पुलिस के स्तर से इसकी जांच की जा रही है और आगे और खुलासा पुलिस करेगी जाँच के बाद कि नशे के सौदागरों से और कौन कौन व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।